हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों को एक और नए ब्लॉग पे। आज मैं थोड़ा सा सुबह सुबह लेट हो चुकी थी क्योंकि अभी 7 बज चुका है, तो मेरे लिए थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि सूरज भी इतना निकल आ चुका है ना। ये देखो, सूरज इतना निकल आ चुका है, बहुत जल्दी निकल आ चुका था। हम लोग जो है लम्बो में और रितु दीदी जो है 3 बजे को जाग गए थे क्योंकि गाबुची का ऊपर में जो है किसी ने जंगली बिल्ली या जंगली सियाल है पता नहीं अटैक कर दिया। गाबुच्चे का आग में जो है थोड़ा सा काट के चला गया। पूरा अंधेरा था ना हम लोग का घर गांव में जो है, एक हफ्ता से भी ज़्यादा हो गया, 2 हफ्ता होने वाली है लाइट नहीं है। तो हम लोग का इन्वर्टर भी, वो बैटरी भी डाउन हो गया था, 3 दिन हो गया, इसलिए जो है हम लोग वो पावर बैंक को दूसरा वो जगह पे गुनानगर पे जो है चार्ज करके रखना पड़ता है, फिर उसी से जो है हम लोग फ़ोन को थोड़ा थोड़ा चार्ज कर पा रहे हैं। तो रात को बहुत ही दुख लगा और हमारे गाबुच्चे को देखो आज इतना वो कमज़ोर लग रहा है ना, पूरा उतना उतना मस्ती भी मूड में भी नहीं है। लेट तो पूरा मजे से था, लेट तो हमेशा इधर में सोता है। हमारा गाबुच्चे जो है अपना जो वो आगे वाला बेलकोनी है ना, ठंडा का वजह से वहाँ पे रहते हैं दिन को, वो बरंदा कहते हैं। हम लोग यहीं पे था, उधर उस साइड में था। ओ लम्बू बोल रहा है कि गाबुच्चे चल भी नहीं पा रहा है, बोल रहे पता नहीं, एक झटका में इतना बड़ा जोर से जो आवाज़ आया गाबुच्चे का, हम लोग अचानक से रात को जग गए, पूरा डर लगा। तो लम्बू ने फटाफट उठ के जो है देखा, वो लोमड़ी या बिल्ली पता नहीं था ना, पता नहीं किसने काटा, पर हमें डाउट है कि या जंगली बिल्ली होगा या लोमड़ी होगा। पूरा आग भी थोड़ा सा वो राइट वाला आग जो है फुला फुला है, उसमें मैंने लम्बू ने जो है दवाई भी लगा दिया है। और रात भर हमारे रूम पे था गाबुच्ची, सुबह होते ही वो निकल आ चुका है। मम्मी लोग भी जल्दी उठ के जो है वो लोग चौकाम पे गए हैं, दीदी का कुछ काम है इसके कारण। ये देखो, ये देखो, हाँ पूरा अजीब से चल रहा है, हाँ हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा इसको। वैसे तो हम लोग इसको इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं कुछ भी नहीं होने के लिए, क्योंकि पागल वो डॉगीज वगैरह भी आते हैं ना, थोड़ा सा डर लगती है। तो गाबुचे तो कुछ भी नहीं होगा, इंजेक्शन वगैरह 3 तो हमने वो लगा दिया था, ये छोटा छोटा टाइम पे, ओ पाव थोड़ा सा उसमें वो छोट हो गया। तो देखते हैं अभी, मम्मी और दीदी ने तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके वो लोग चला गया, तो अभी मुझे जो है फिर से खाना बनाना पड़ेगा। लम्बू के लिए जो है कुछ भी सब्जी नहीं है आजकल, जो है वो मीट मच्छी नहीं खा रहा है क्योंकि बुखार के वजह से जो है डॉक्टर ने भी मना कर दिया वो मीट मच्छी थोड़ा कम खाने के लिए। तुमको जाना पड़ेगा ना हॉस्पिटल पे, हाँ सलाइन लगाना पड़ेगा, सलाइन लगाना है गाबुच्चे के लिए भी, इंजेक्शन लगाना है। हाँ ठीक है, अभी उसके लिए जो है क्या क्या सब्जी पका दूंगी वो सब जो है दिखाऊंगी। और मंजिता तबीयत कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है, अभी अभी खाना खाके हो गया। भूख लगता है ना तुमको? हम हाँ, तो लेट मम्मी रख दिया था। हाँ गाबुच्ची ये देखो ना, ये वाला आग जो है पूरा फूल गया, उसमें लम्बू ने दवाई लगा दिया था। बाप रे, पूरा घर एकदम अंधेरा था ना, नहीं तो हम लोग का इस साइड में भी लाइट है, उस साइड में भी लाइट है। अगर मेन कारण होता तो हम लोग जला के रखना था, अभी क्या करें, खुद हम लोग का फोन ही चार्ज नहीं होता है तो कैसे लाइट वगैरह को जो है ऑन करके रखें। तो आज देखते हैं गांव में जो है, एक तो लाइनमैन है वो जो है ठीक कर रहा है, बोला था मम्मी कल, तो पता नहीं इतना दिन हो गया, धूप भी परसों से अच्छे से धूप दे रही है, कल भी अच्छा धूप दिया और आज भी सूरज इतना अच्छे से निकल आ चुका है ना, तो आज भी दिन भर अच्छा रहेगा शायद। तो लाइट तो आज तक आ जाना चाहिए, इतना तकलीफ होती है ना कारण नहीं होने से, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो यहाँ पर चावल भी चढ़ा दिया है और कल डिनर में जो है सब्जी बच गया था, यहाँ पर है मछली बैम्बू शूट के साथ बॉयल, एंड यहाँ पे है पोर्क और इसमें है बेत की सब्जी, तो हो जाएगा। और लम्बू के लिए जो है अभी दूसरा सब्जी पकाना पड़ेगा, उसको दाल बॉयल कर देना पड़ेगा, एंड यहाँ से जो है पीक फ्रूट। और गाबुच्चे देखो ना, अभी थोड़ा थोड़ा देखो लम्बू से मजाक कर रहे, मस्ती कर रहे। मामी देखो पीक फ्रूट को काट रहे, यहाँ पे तो काट के भी रख दिया। देखो इसको जो है छीलना भी पड़ता है, ये हाँ। मना कर रहा है नहीं छीलने के लिए। तो मामा अच्छा छीलने से टेस्टी होता है, छीलो हाँ। से बिल्कुल वो छोटा वाला जैकफ्रूट का सब्जी की तरह होती है।
और पहले मैं खाया था ना छिलके, बहुत टेस्टी लगा था। छिलना पड़ेगा इसे भी। हाँ छिलो। हाँ गुद्दा हो गया ना। हाँ देखो गाय बच्चे का आँख, कल को लोमड़ी ना बिल्ली काट दिया था ना। हाँ। कुछ भी पता नहीं चले हमको, तो मम्मी उठा रहे पूरा। इसको छील लेती हूँ फिर। हाँ। इसके बाद कटिंग करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे देखो इतना ज्यादा है, भी छील भी दिया, अभी कटिंग कर रहे हैं देखो। ये अंदर वाला सीध जो है निकलना पड़ेगा। हाँ। अगर ये रहेगा तो उतना टेस्ट। हाँ। नहीं रहता है। हाँ। देखो ब्राउन ब्राउन करके। बहुत मेहनत लगता है ये जंगली वाला सब्जी, भिगो के रखनी पड़ती है इसको भी। हाँ। बिल्कुल वो छोटे वाला जैकफ्रूट सेम उसका वैरायटी जैसा लगता है। यहाँ मैंने फिग फ्रूट को जो है काट के भी रख दिया है। ये देखिए दोस्तों, इसको जो है ऐसे शेप में कटिंग करनी पड़ती है। अंदर का जो सीड वगैरह है उसे जो है मैंने फेंक दिया है और भिगो के रखनी पड़ती है, नहीं तो इसमें अजीब सा कलर आती है। थोड़ा सा कड़वा टाइप का होता है ना ये सब्जी। पकाने के लिए जो है यहाँ कढ़ाई पे जो है मैंने पानी, ड्राई फिश, नमक, मिर्च दे दिया है और चावल पता नहीं इतना लेट क्यों हो रहा है। मैंने जो है उसमें 5-4 डिब्बा दे दिया था छोटा छोटा करके। और यहाँ पर लम्बू के लिए मैंने सिर्फ एकदम कुछ भी नहीं दिया है, दाल और थोड़ा सा नमक दिया था। इसको बॉईल कर दिया है, ये देखो ऐसे करके पीना पड़ता है, दाल को हो जाएगा। बस ये सब्जी जो है लास्ट में पकाना है फिग फ्रूट। तो अभी जो है चावल भिगो के रखी थी, चावल का ग्रेवी थोड़ा सा दे दूंगी एंड लहसुन थोड़ा सा। मैंने दे दिया है पानी पे फिग फ्रूट को। ये देखिए दोस्तों, इसको जो है ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा नरम होने से टेस्टलेस होती है। अभी चावल की ग्रेवी को जो है बनाना पड़ेगा। इसे तो लेमन ने ऑलरेडी खोद दिया है, बस इसमें पानी देके जो है वो थोड़ा ग्रेवी करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो है लोकल वाला लहसुन है। सब्जी तो लगभग हो चुका है। हाँ। अभी यहाँ पे मैंने ग्रेवी भी बना दिया है। हाँ। ये देखिए लहसुन भी दे दिया है। हाँ। अभी इसको जो है इसका ऊपर में देना पड़ेगा। हाँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है ग्रेवी भी दे दिया है और एकदम मस्त हो गया है सब्जी, पूरा टेस्टी टेस्टी। फिग फ्रूट का सब्जी हो चुका है पूरा ग्रेवी ग्रेवी, ये देखो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगा। तो इसे जो है अभी रख लेती हूँ, तो बाद में जो है हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, अभी भूख नहीं है। तो बस अभी जो है वो हम लोग का मंदिर में जो है खाना परोस दूंगी और सब्जी क्या दाल एंड ये फिग फ्रूट का सब्जी से दे दूंगी। और मंजिता ने भी सुबह में ब्रेकफास्ट कर लिया, तो लम्बो को भी अभी जो है उसको भी भूख नहीं है, तो थोड़ा देर बाद हम लोग रेस्ट करके फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। मम्मी लोग भी आता ही होगा। ब्रेकफास्ट भी निकाल दिया है हम दोनों के लिए, मम्मी लोग अभी तक आया नहीं। बस हमें जो है भूख लग रही है क्योंकि हमने जो है अभी तक कुछ भी नहीं खाया ना। तो मम्मी और दीदी ने जो है सुबह में थोड़ा थोड़ा वो कल का जो बच गया था वो चावल जो है गर्म करके वो लोग खा के निकले थे, अभी हम लोग खा लेते हैं। उन लोगों के लिए जो है रख देंगे। लम्बो के लिए बेस्ट है, इसको बहुत टेस्टी लगता है ये फिग फ्रूट का सब्जी। हाँ तो इसमें फिश बॉयल है एंड वहाँ पर है पोर्क, तो अभी खाते हैं इसी से खाना। अभी फ़ोन को जो है पावर बैंक से चार्ज करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक लाइट नहीं आया है, तो इसे जो है चार्ज करने के बाद फिर से अजमेर का घर पे रख के आना पड़ेगा, छोड़ के आना पड़ेगा। फुल चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है। ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया है, बाहर पे इतना धूप दिया था सुबह में, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा अंधेरा कर रहा है, पता नहीं फिर से बारिश दे सकता है। और अभी हम लोग जो है यहाँ पर रेस्ट करेंगे एंड फ्रूट वगैरह भी खाएंगे। बस एक तो है ड्रैगन फ्रूट, बहुत ही ज़्यादा महंगा है ड्रैगन फ्रूट ये फिनिश हो जाएगा आज। और यहाँ पे आलमंड, मुझे आलमंड इतना पसंद नहीं है, इसको पसंद है, ये मुझे ज़बरदस्ती खिलाता है ये देखो अच्छा है खाने के लिए, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। जब हम लोग गार्डन में थे उस टाइम पर मैं एकदम नहीं खाती थी ड्रैगन फ्रूट, ये वाला ड्रैगन फ्रूट भी इतना पसंद नहीं है मुझे। यहाँ पे चार टुकड़ा कर दिया है पर मीठा नहीं लगता है मुझे, देखने से अच्छा है ना, इसमें पूरा तिल है हम लोग कहते हैं गुच्छे खाएगी इसका पसंद है ड्रैगन फ्रूट। चलो अभी खाते हैं, ऐसा पिंक कलर का होने से ठीक होना था। और सबसे पहले इसको खा लेती हूँ, नहीं तो ये बोलेगा नहीं खाता है के मेरे के सामने खा रही हूँ खा मुझे तेरा ड्रैगन फ्रूट। अब इसको खाती हूँ, थोड़ा सा विटामिन तो हो जाएगा। चीयर्स। हम्म
कैसा है? टेस्टी है। टेस्टी है। खाओ तुम भी। रोज फ्लावर जो है पता नहीं निकलते निकलते जो है पूरा खीरे जो है खत्म कर देता है। ये देखो इधर अंदर का जो है पूरा खत्म कर दिया और इधर में जो है एकदम छोटे छोटे करके जो निकल आ रहे हैं ना पूरा खत्म कर देता है। देखो डैमेज होता है ना, उतना खिलता है नहीं। पहले में इतना सुंदर से वो खिलता था, अभी क्या करे, दवाई क्या दवाई मारने से जो है ये ठीक होगा। तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन पे बता देना इसको पता नहीं कैसे ठीक कर पाएंगे। जब भी फूल निकल आते हैं टाइम पे ना पूरा खत्म कर देता है कीड़े। ये देखो ना, और इस साइड का तो ठीक होता है पर ये डिसकलर हो गया। देखो ना ये पिंक हो गया और ये इसका कलर तो बहुत ही खूबसूरत है, ये पूरा सफेद वाला पिंक हो गया। मम्मी और दीदी भी आ चुके हैं और आते ही मम्मी पूरा यहाँ पे दही बना रही है। ये देखो ये वाला दही में ना इतना पानी निकल आ चुका है, बाप रे पूरा देखो ना, दही कम पानी ज्यादा। हाँ पानी ज्यादा, हमने जो है परसों में रखा था, देखो अभी इतना एक कटोरा हो गया। ये पानी जो है गाबूजी के लिए रख देंगे, गाबूजी बहुत पीता है ये पानी बिना चीनी के साथ। दीदी का अभी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको जो है बुखार हो रही है थोड़ा थोड़ा, तो वो रेस्ट करने के लिए गई है रूम पे। और मम्मी भी नैपिंग लेने के लिए गई है और लम्बू और मंजिता जो है मेडिकल पे गए है वो सलाइन लगाने के लिए। अभी बस मैं क्या करूँ, बोरिंग लग रही है तो यहाँ से जो है थोड़ा सा आलू बॉयल कर लेती हूँ। मैं खाऊंगी आलू पराठा। पता नहीं कब को क्या खाने को मन करता है ना, तो अभी जो है मैं आलू बॉयल करूंगी, आलू पराठा बनाऊंगी। यहाँ कढ़ाई पे जो है मैंने आलू दे दिया है बॉयल होने के लिए, ये ठीक से नरम होना पड़ेगा। और मुझे बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रही है, घर पे ऐसे तीनों है फिर भी मुझे सुना सुना लग रही है तो कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। वाओ फाइनली लाइट आ गया। लाइट आ गया। ओ यस, ये देखो फाइनली। हाँ कितने दिनों के बाद जो है लाइट आ चुका है। मुझे बोरिंग लग रही थी क्योंकि मोबाइल पे जो है नेट उतना अच्छे से नहीं चल रहा था, तो ऊपर से मैं उधर आलू बॉयल कर रही हूँ और यहाँ पे टीवी देख देख के रहूंगी। ये देखो हाउसफुल 2 मूवी चल रहा है। आलू भी बॉयल हो चुका है दोस्तों, जैसे लाइट आया ना मैंने जो है फ्रिज को थोड़ा सफा कर दिया है, पानी रख दिया है ठंडा होने के लिए। अभी फ्रिज को जो है एकदम बढ़िया तरीके से सफा करना पड़ेगा। आलू पराठा खाने के लिए उतना वो मिलाने का वो तो है नहीं, बस मैं यहाँ से जो है लोकल धनिया पत्ता लेके जाऊंगी। यहाँ से छोटे छोटे लोकल धनिया पत्ता को जो है काट के दे दूंगी। आलू को छीलना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा धनिया पत्ता को भी वॉश कर दिया है दोस्तों। अभी इसको जो है मैं छोटे छोटे करके काटिंग करूंगी। हमारे पास वो वाला धनिया नहीं है, बस ये नागा धनिया ना क्या कहते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं बेलेदी बागोर, बहुत ही खुशबू है इसमें। छोटे छोटे करके इसकी कटिंग करना पड़ेगा। आलू भी बॉईल हो चुका है, इसको जो है अभी छिलके को फेंक देती हूँ तो जल्दी खाने का मन कर रही है। अभी फोन को रख देती हूँ इधर एंड आलू को छील लेती हूँ। मैंने फोन को जो है ट्राइपॉड पे बांध के जो है रख दिया था, मेरा ट्राइपॉड भी पूरा खत्म हो गया, खराब हो गया, वो भी स्टैंड खराब हो गया। कोई बात नहीं, काम तो चलाना पड़ेगा। मेरा कैमरामैन नहीं है, मंजिता भी नहीं है, लम्बू भी नहीं है। आलू को मैंने छील भी दिया है दोस्तों, अभी ऐसे छोटे छोटे करके जो है क्या कहते हैं इसको पता नहीं, इसी से ऐसे छोटे छोटे करनी पड़ रही है। ये देखो हाथ से मिक्स करने से ज्यादा ही गर्म है। ये देखिए दोस्तों आलू को जो है मैंने यहाँ पे छोटे छोटे करके निकाल भी दिया है, तो अभी धनिया पत्ता को दे देती हूँ यहाँ, इसे जो है डायरेक्ट ऐसे ऐड करनी पड़ेगी। पता नहीं आप लोग कैसे खाते हो, दूसरा लोग जो है थोड़ा स्टाइल अलग अलग करके खाता है, पर मेरा पास उतना इंग्रेडिएंट्स वगैरह है नहीं, इसलिए जो है मैं सिंपल करके बना रही हूँ अपना दिमाग से। थोड़ा सा नमक दे दूंगी एंड मसाला तो है नहीं, इसलिए जो है ये मिर्च पाउडर थोड़ा सा दे देती हूँ, थोड़ा सा स्पाइसी होने के लिए। अभी इसको जो है हाथ से मिक्स करना पड़ेगा।
और मेरे पास तो मैदा है नहीं, इसलिए जो है मैं आटे के साथ बनाऊंगी। यहाँ पे आटा पैकेट उस दिन लेके आई थी, ये देखो बढ़िया होता है इसी से भी। तो यहाँ पर आलू भी निकाल दिया है और यहाँ पे जो है गोल गोल करके रख दिया है, और मंजिता और लेमू भी आ चुका है। यहाँ एक तो मैंने बेल दिया है, अभी ट्राई कर लेती हूँ कैसा होता है। मेरा कैमरामैन पता नहीं कब आएगा। देखो बेल दिया है आलू के साथ मिक्स करके, अब इसको जो है पका लेती हूँ कैसा होता है। पता नहीं ज्यादा मोटा हो गया क्या। ये देखो अभी देखो मामी यहाँ पे पराठा बना रहे, बार बार भी बनाती हूँ, मंजिता भी खाती है, पता नहीं उसको ये देख के मालूम नहीं चल रहा है मैं क्या बना रही हूँ। मंजिता या मामी वो बना रही है, मैं पकाऊंगा। पका लो ठीक है, चलो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ। दिखाओ, एकदम बढ़िया से पकाऊंगा ना अभी। हाँ। पता नहीं दूसरे लोग कैसे बना देते हैं इतना जल्दी जल्दी। पसीना निकल आ चुका है देखो ना बदन पे। हाँ। दिखाई दे रहा है। हाँ। पूरा पसीना, इतना गर्मी है, बाप रे, मुझे फैन का नीचे में रहने का मन कर रहा है। हाँ तो फैन लाओ वहाँ से। अरे इसको बनाने के बाद ही फैन का हवा थोड़ा ले लूंगी। लाल हो गया, धुआं भी नहीं ले सकती अभी, ये देखो। देखो लाल हो गया, फिर बुखार भी आया। यहाँ पे मैं पका रहा हूँ तो ये तो लगभग पक चुका है, आई थिंक हो जाना चाहिए। ज्यादा तेल नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा हेल्दी खाने के लिए हल्का सा तेल लेके, तो ये हो चुका है। अभी इसे निकालता हूँ। उरी बाबा, हाँ अभी यहाँ से फिर से डालना पड़ेगा ना मुझे। हाँ। एक हाथ से तो नहीं होगा, दो हाथ से डालना पड़ेगा। लेके जा। हाँ पकड़। उरी बाबा, थोड़ा सा तेल देना पड़ेगा तो। उधर तावे पे अभी नया वाला इसको दे दिया मैंने पकने के लिए गैस। अभी थोड़ा सा पकाने के बाद इसको पलटी करना पड़ेगा। वाह, ये वाला तो हो चुका है एकदम बढ़िया से। तो बना बना के जो है यहाँ पे मैंने रख दिया है, यहाँ चार तो और इसमें जो है दो तो हो गया और यहाँ पर एक तो। इसको पलटी कर दिया। इधर पर मैं बना रही हूँ लास्ट में, और एक तो बचा हुआ है इधर पे, और यहाँ पर जो है मैंने रख दिया है गर्मा गर्म। एक तो टेस्टिंग कर लिया था हमने, तो बस ये होने के बाद फिर से हम लोग मिल बांट के खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है रे, पूरा पसीना पसीना हो चुकी हूँ। इसको होने के बाद दबा दबा के खा के मस्त करके रेस्ट करूँगी फैन का नीचे पर। रेडी हो गया है दोस्तों, अभी हम सभी जो है एक एक खाएंगे। मैंने और दीदी ने जो है ऑलरेडी एक तो हमने टेस्ट कर लिया, बहुत ही बढ़िया हुआ है। चलो अभी खाते हैं, मम्मी गर्मा गर्म ले लो। कहाँ गया दीदी, ले लो ले लो। कौन कौन खाएगा, हम बोल जाता है मार्केट जब भी जाओगे ना किसान जाम लेके आओ, मजा आएगा खाने में। कैसा हुआ है मम्मी? टेस्टी हुआ है, टेस्टी हुआ है। और शकल देखो मेरा, सब
का ऐसे गर्मी में पूरा एकदम हालत खराब हो चुका है मेरा तो। वैसे आग का सामने में रहना इतना मुश्किल ना, खाने में स्वादिष्ट है, बनाने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। पराठा वगैरह भी खा लिया है दोस्तों, और शाम भी होते जा रही है तो रेस्ट वगैरह तो कर लिया है। अभी मुझे नहाना पड़ेगा और वीडियो को जो है यहीं तक एंड कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो को एडिट करके जो है अपलोडिंग पे रखनी पड़ेगी। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ।